गुड मॉर्निंग बच्चों, जेएमडी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास की मैथ्स। ठीक है, तो उसमें बच्चों पहले जो प्रीवियस चैप्टर में मैंने क्या कराया था बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको कराया था बिग एंड स्मॉल और इक्वल टू, दो चीज़ कराई थी बच्चों। ये करवाया था मैंने बिग एंड स्मॉल कि इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, और एक मैंने बच्चों ये करवाया था इक्वल टू। ठीक है, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, देखो बच्चों ग्रेटर देन ये है। अब देखो यहाँ पे बच्चों ये समझाया गया है, यहाँ पे देखो इसको काउंट करो आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है इधर, इधर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है इधर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो बच्चों इनमें से बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो देखो ज़्यादा किधर है, इस साइड में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब इस तरह से तो यहाँ देखो बच्चों इधर लिखा है 9, इधर लिखा 8, तो बड़ा कौन सा है, हु इज़ ग्रेटर, 9। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो 9 इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, अब देखो बच्चों आप लोगों को ग्रेटर देन और लेस देन में कन्फ्यूजन होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है इधर, और इधर कितने बच्चों 6 ही है, 3 and 3 6, तो कौन बड़ा हुआ यहाँ पे, 8 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, यहाँ पे भी गिन लो। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इधर कितना है 7 है, और इधर कितना देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है, तो कौन सा बड़ा है यहाँ पे, ये है बड़ा। ठीक है, तो 7 इज ग्रेटर देन। ठीक है, इस तरह से लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी लगाना है आपको। ठीक है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है यहाँ पे, तो कौन बड़ा है, 8, ये देखो बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 7, तो ये यहाँ पे बड़ा है इस तरह से। ठीक है ना, तो ये इस तरह से वैल्यू है। ठीक है, ग्रेटर देन, अब मैं आपको बता रहा हूँ लेस देन कैसे होता है। ठीक है, ये बच्चों लेस देन, देखो यहाँ देखो बच्चों 1 2 3, इधर 3 है, और इधर देखो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हुआ, 5 बड़ा हो गया। ठीक है, और ये छोटा हो गया, तो इस तरह से लगता है लेस देन। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर लेस देन ग्रेटर देन का साइन जो हम कैसे लगाएं, तो आप इतना याद रखो जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, उसकी साइड उसका मुंह खुला रखो। ये देखो ये किसकी तरफ मुंह खुला है, ये इधर बड़ा है ना, तो इधर मुंह खुला है, तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 5 है, और इधर देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह खुला है और इधर नहीं है, तो मतलब ये लेस देन का साइन हुआ। ठीक है, इस तरह से इनके लिए ये लेस देन है। ठीक है, पर इनके लिए ग्रेटर देन है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे 7 है, तो लिखो यहाँ 7। ठीक है, और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला, जो बड़ा है उसकी तरह मुंह खोल दो आप, तो ये इस तरह से, तो ये इधर ग्रेटर देन हो गया और ये इधर लेस देन हो गया। ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ देखो बच्चों ये वाला 1 2 3 4 5 5 लिखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7। ठीक है, अब बड़ा कौन सा, ये वाला है। ठीक है ना, इधर वाला। ठीक है, तो ये इस तरह से। नेक्स्ट देखो बच्चों ये 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पे। ठीक है ना, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला बड़ा, ये छोटा है, तो इसकी तरफ उल्टा चिन्ह लगेगा। ठीक है बच्चों, तो लेस देन और ग्रेटर देन यहाँ कंप्लीट होता है बच्चों। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको ये लेस देन और ये ग्रेटर देन, ये आपको
अपनी नोटबुक में पूरा उतारना है एज इट इज। अब आपको वीडियो देख के ये करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरे आंसर करवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो मैथ्स का जो फर्स्ट क्लास है वो यही ख़त्म होता है। अब हम लोग ले रहे हैं सेकंड क्लास मैथ्स की। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्लास वाले बच्चे रेडी रहें, उनको मैंने इससे पहले सेकंड स्टार्ट करा दी थी नंबर एंड न्यूमरेशन। ठीक है, तो उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे बच्चों। देखो ये देखो, यहाँ बोल रहा है फेल स्किप काउंटिंग इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ क्या करना है बच्चों, हमको काउंटिंग में ये देखना है कि कैसे इसको भरना है। ठीक है, तो यहाँ इंटरवल देखना है आपको, ये 26 है, इधर 29 है, तो इंटरवल कितना है, 3 का इंटरवल चल रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या ऐड किया कि ये 29 आया 3, तो इसका मतलब है सब में 3 ऐड करते जाना है। यहाँ से यहाँ प्लस 3, देखो 29 और 3 ऐड करो 32, फिर प्लस 3 35, ठीक है, फिर प्लस 3 38, इस तरह से ये चलता जाएगा, इधर 41 हो जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा 44, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ देखो ये 50 है, तो यहाँ इंटरवल कितना है, प्लस 5, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है सब में प्लस 5 इस तरह से। ठीक है, देखो यहाँ 60 हो जाएगा, फिर यहाँ 65 होगा, यहाँ फिर 70 होगा, और यहाँ क्या होगा, 75 होगा, और यहाँ पे 80 होगा, इस तरह से ये इंटरवल जो है ये चलता रहेगा। देखो सब में मैंने प्लस 5 किया है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ देखो 26 से 30 कितना इंटरवल है, प्लस 4, ठीक है, तो इसका मतलब आपको पूरी लाइन के अंदर प्लस 4 करते जाना है इस तरह से। यहाँ पर प्लस 4 करोगे आप तो कितना होगा, 34 होगा, यहाँ प्लस 4 करोगे तो कितना होगा, 38 होगा, इस तरह से चलता जाएगा 42 46, ये 50 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये 50, और यहाँ देखो 52 से 58 आए हैं तो प्लस 6 हुआ है। ठीक है, 52 से 58, 58 से प्लस 6, ठीक है, तो ये हो गया 64 से, इस तरह से ये इंटरवल चलता जाएगा। यहाँ पे आएगा 70, ठीक है, तो यहाँ आएगा 76, यहाँ 82, इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है ना, तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। आपको नेक्स्ट देखना है थर्ड में वही है जो मैंने अभी फर्स्ट क्लास में भी करवाया था, वही चीज़ है सेम। इसमें आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये एक साइन आपको भरने हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना आप। देखो 38 और 45, अब ये इक्वल तो है नहीं, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे 45 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है ना, ये किसके ग्रेटर देन 38, ठीक है, तो आपको ये साइन लगाना है। मैंने क्या बोला, जो बड़ी वैल्यू है उसकी तरफ आप मुंह खोल दो, ठीक है, जैसे ये इस तरह से, ठीक है ना, खोल दिया मुंह। अब देखो यहाँ पे 70 बड़ी वैल्यू है इस तरह से, ठीक है, अब ये देखो 68 बड़ी वैल्यू है, ठीक है, अब ये देखो 92 इज ग्रेटर देन 64, अब यहाँ देखो 98 इज ग्रेटर देन 67, और यहाँ देखो 48, इस तरह से। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 46 इज लेस देन 48, ठीक है ना, इस तरह से 68 इज लेस देन 70, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इधर छुप गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस साइड में, ठीक है, तो यहाँ देखो ये 39 और 39 इक्वली होंगे, कॉमन सी बात है, ठीक है, यहाँ देखो 57 इज ग्रेटर देन 53 और 69 इज लेस देन 78, इस तरह से ये आपका जो सेकंड है वो लगभग कंप्लीट हो गया बच्चों। तो सेकंड क्लास के लिए मैथ जो है वो आज के लिए इतना ही है, तो आपका होमवर्क भी यही रहेगा कि आपको ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, पहले वाले तो आपने कर लिए होंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या करना है, नोटबुक में उतारना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आंसर मैंने आपको यहाँ करवा दिया है, आपको वीडियो देख के सारे आंसर लिखने हैं और उसको नोटबुक में उतारना है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी से मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।